आपके सामने है अब रंजीस वंडरफुल बैट चैप्टर की समरी। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या फिर आप अंदर जाकर प्लेलिस्ट से क्लास 8 की प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम समरी को। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट रंजी, एन इनोसेंट इंथुएस्टिक चाइल्ड हु हैड अ पैसन फॉर क्रिकेट आई वॉन्ट टू प्रूव हिज वर्थ इन हिज स्कूल मैचेस। ये कहानी है रंजी की, एक मासूम उत्साह से भरे एक बच्चे की, जिसे क्रिकेट का बहुत शौक है और वो अपनी अहमियत स्कूल मैचेस में साबित करना चाहता है कि वो कितना काबिल है। ड्यूरिंग वन ऑफ द स्कूल मैचेस द विजिटिंग टीम विंस एंड रंजी इज कम्प्लीटली सेटल्ड एज ही कुड नॉट स्कोर इवन वन रन। कि एक स्कूल मैच के दौरान अपोजिट जो टीम थी वो जीत गई और रंजी जो है उसमें हार गया, क्योंकि वो एक भी रन नहीं बना पाया था और वो बड़ा ही दुख उसे दुखी महसूस हुआ। ही लूज कॉन्फिडेंस एंड वॉक बैक होम टोटली अनश्योर अबाउट हिमसेल्फ। अपना कॉन्फिडेंस लूज कर अपना आत्मविश्वास खोकर वो वापस घर लौटा, ठीक है, ऑन द वे मतलब घर लौट रहा था। इन द वे ही मीट्स मिस्टर कुमार द ओनर ऑफ द स्पोर्ट्स गुड शॉप। रास्ते में वापस लौटते वक्त उन्हें मिस्टर कुमार मिले, जो कि स्पोर्ट्स के सामानों के दुकानदार थे, मतलब मालिक थे। ही गिव्स हिम लकी बैट विच हैड प्रूव्ड ऑलमोस्ट मैजिकल फॉर हिम। उन्होंने उसे एक लकी बैट दिया जो उसके लिए बिल्कुल एक जादू की तरह था। ही हैड स्कोर अ सेंचुरी विद इट, उसी से उसने 100 रन बनाए। मिस्टर कुमार मोटिवेट रंजी एंड वंस मोर रंजी इज एंथुसियास्टिक अबाउट द मैच इन स्कूल। मिस्टर कुमार ने रंजी को उस वो बैट देकर मोटिवेट किया और एक बार फिर रंजी के को स्कूल मैचेस को लेकर फिर से उत्साह उसमें भर गया, मतलब उसमें फिर से कॉन्फिडेंस आ गया और रुचि लेने लगा उसमें क्रिकेट में। नाउ ही प्लेज विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड इज एबल टू विन द अप्रिसिएशन ऑफ हिज कोच एंड फ्रेंड्स। अब वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से मैचेस खेलने लगा और जीतने भी लगा, साथ ही अपने कोच और अपने दोस्तों का अप्रिसिएशन मतलब जो बढ़ावा है, तारीफें हैं, वो भी उसे मिलने लगी। दस इंक्रीज ही प्ले वेल वन डे विल इन्वॉल्व इन हेल्पिंग इन इंजर्ड फ्रेंड ही लूज हिज लकी बैट। एक मैच एक दिन अपने एक दोस्त को के जख्मी होने की वजह से उसने अपना एक वो लकी बैट कहीं खो दिया। ही सडन वेन ही इज अनेबल टू फाइंड इट, वो बहुत ही दुखी हुआ जब उसे वो बैट नहीं मिला। मिस्टर कुमार हाउ एवर टेल हिम दैट द बैट हैड नो डिफरेंस फ्रॉम द अदर बैट, वाट नीडेड वॉज कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन हिज ओन कैपेबिलिटी। मिस्टर कुमार ने उसे समझाया कि वो जो बैट था वो दूसरे साधारण बैटों से अलग नहीं था, वो भी एक साधारण बैट था, तुम्हें तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है और अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखना है। देन इन द नेक्स्ट मैच रंजी प्ले विथ अ बैट फ्रॉम भीम एंड डस वंडरफुल वेल। ये अगले मैच में रंजी ने भीम नाम के अपने दोस्त से एक बैट उधार लिया और उसमें उस बैट से भी बहुत अच्छे से वो खेला। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ वंडरफुल इनिंग एंड ही बिकम टॉक ऑफ हिज स्कूल एंड ही सो डिलाइट दैट कैरीड लड्डूज फ्रॉम बोथ कोकी एंड मिस्टर कुमार हु हैड हेल्प इन गेनिंग दिस सक्सेस। यानी इसके बाद उसने बहुत से अच्छे मैच खेले और वो स्कूलों में चर्चा का विषय बन गया, मतलब सभी उसके बारे में बात करने लगे। वो इतना खुश हुआ कि वो अपनी एक दोस्त कोकी और मिस्टर कुमार जो दुकान के मालिक थे उनके लिए लड्डूस लेकर गया, क्योंकि उन्होंने ही उसे ये सक्सेस दिलाने में मदद की थी। तो यहाँ पर हमारी ये समरी ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।